निर्भया गैंगरेप केस के दोषियों को फांसी दिए जाने के लिए नया डेथ वारंट जारी कर दिया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को लगभग एक घंटे तक चली सुनवाई के बाद निर्भया के दोषियों को फांसी पर लटकाने के लिए 3 मार्च की तारीख मुकर्रर की है। नए डेथ वारंट के अनुसार 3 मार्च की सुबह 6 बजे निर्भया के गुनहगारों को फांसी दी जाएगी। निर्भया केस में पटियाला हाउस कोर्ट से तीसरी बार नया डेथ वारंट जारी होने के बाद निर्भया की मां आशा देवी का कहना है कि उन्हें अभी भी उम्मीद है कि चारों दोषियों को फांसी हो जाएगी। उन्होंने कहा वो नए डेथ वारंट से बहुत खुश नहीं है, ये तीसरी बार जारी किया गया है, हमने काफी संघर्ष किया है। नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में पिछले 2 महीने से जारी प्रदर्शन को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजय कौशल, जस्टिस केएम जोसेफ की बेंच कर रही है। अदालत ने कहा कि लोकतंत्र हर किसी के लिए है, ऐसे में विरोध के नाम पर सड़क जाम नहीं कर सकते। इस मसले पर अब अगले सोमवार को सुनवाई होगी। शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक वार्ताकार नियुक्त किया है। वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े के साथ वकील साधना रामचंद्रन को वार्ताकार के तौर पर नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही हबीबुल्लाह चंद्रशेखर आजाद इस दौरान वार्ताकारों की मदद करेंगे। कोर्ट ने दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार से प्रदर्शनकारियों को हटाने के ऑप्शन पर चर्चा करने और उनसे बात करने के लिए कहा है। सेना में स्थायी कमीशन पाने से वंचित रह गई महिला अधिकारियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। दरअसल 2010 में दिल्ली हाई कोर्ट से लड़ाई जीतने के बावजूद महिला अधिकारियों को सरकार के बेपरवाह रवैये के चलते अपना हक नहीं मिला। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सेना में महिला अधिकारियों की नियुक्ति विकासवादी प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई, फिर भी केंद्र ने हाई कोर्ट के फैसले को लागू नहीं किया। रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने वर्ष 2020 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी ग्रोथ अनुमान को घटा दिया है। मूडीज ने यह अनुमान 6.6% से घटाकर 5.4% कर दिया है। इसके साथ ही मूडीज ने 2021 में जीडीपी बढ़त के अनुमान को भी 6.7% से घटाकर 5.8% कर दिया है। मूडीज ने कहा है कि नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो सुस्ती आई है उसकी वजह से भारत के जीडीपी ग्रोथ में तेजी की रफ्तार कम हो सकती है। उसने कहा है कि भारत में अब किसी भी तरह के सुधार को उम्मीद से कम ही माना जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार का आम बजट 2020 मंगलवार यानी कि 18 फरवरी को पेश होगा। वित्त मंत्री सदन में आम बजट पेश करेंगे। योगी सरकार ने पिछले आम बजट में सभी वर्गों को साधने की कोशिश की थी। योगी सरकार ने अपने तीसरे बजट में सभी वर्गों का खास ख्याल रखा था। 2020 में पेश होने वाला बजट योगी सरकार का चौथा बजट होगा। इस बार के बजट में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार दवाओं के लिए ठीक ठाक पैसा देगी, साथ ही सुदूर ग्रामीण इलाकों में भी स्वास्थ्य सेवा को दुरुस्त करने के लिए कुछ नया किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में बीते शनिवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने युवक द्वारा जय श्री राम का उद्घोष करने का मामला तूल पकड़ने लगा है। सोमवार को समाजवादी पार्टी विधायकों ने विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में हंगामा करना शुरू कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि इस मुद्दे पर प्रश्नकाल के बाद बात होगी, लेकिन विधायक अखिलेश यादव की जान को भाजपा सरकार से खतरा बताते हुए हंगामा करते रहे। इस पर सदन की कार्यवाही को 30 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। संभल में चल रहे सीएए के विरोध में शिरकत करने पहुंचे मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा ने प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह का नाम लेते हुए सबसे बड़ा आतंकवादी इन्हें करार दिया। उन्होंने संघ प्रमुख का नाम लिए बिना ही उन्हें नागपुर का नाग बता दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हमारे बच्चे गोडसे वाली सोच पर निकल गए तो देश का नजारा कुछ और ही होगा।
19 फरवरी को राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की पहली बैठक है दिल्ली में होगी। बैठक में महंत नृत्य गोपाल दास भी मौजूद रहेंगे। मनीराम दास छावनी पहुंचे, ट्रस्ट के मेंबर्स ने नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की है और बैठक का आमंत्रण दिया है। बैठक में ट्रस्ट के अलावा क्या कोई दूसरा संगठन भी मंदिर निर्माण के लिए दान ला सकता है या नहीं, इस बात पर फैसला लिया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से पहले एक बार फिर बड़ी संख्या में देश भर से संत धर्माचार्यों के साथ राम भक्त जमा हुए हैं। अयोध्या में आज से 9 दिवसीय राम नाम जाप का आयोजन शुरू हो गया है। सभी राम भक्त राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम नाम का जाप कर भगवान का आह्वान करेंगे। इस कार्यक्रम में अखंड श्री राम नाम जाप के साथ 5 बड़े हवन कुंडों में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ के साथ संतों के माध्यम से श्री रामचरितमानस का पाठ भी किया जा रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ में 16 फरवरी से एकल परिवर्तन कुंभ की शुरुआत हो चुकी है। इस कार्यक्रम में पूरे देश से 2.5 लाख लोग शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम के पहले दिन स्वराज सेनानी सम्मान दिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कार्यक्रम के दूसरे सेशन का उद्घाटन किया। देश के ग्रामीण वनवासी और वंचित तबकों के 30 लाख से अधिक बच्चों को बुनियादी शिक्षा से भारत निर्माण में जुटे एकल अभियान को जन आंदोलन में बदलने की तैयारी चल रही है। इसके लिए लखनऊ में 16 और 18 फरवरी तक परिवर्तन कुंभ और पर्यावरण सुधारने की दिशा में एक छात्र एक पेड़ गोद लेने के कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। वहीं 18 फरवरी को लखनऊ के सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस एकल परिवर्तन कुंभ का समापन करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आगामी 24 फरवरी को आगरा आ रहे हैं, जिसको लेकर ताज नगरी में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आगरा दौरे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल आगरा जाएंगे और व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रस्तावित भ्रमण की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे और सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। कानपुर देहात में 13 तारीख को दलितों पर हुए हमले के बाद पीड़ितों से मुलाकात के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम के नेतृत्व में पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पीड़ितों से मिलने के लिए पहले गांव और फिर घायलों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचा। नरेश उत्तम ने बताया कि अखिलेश यादव ने निर्देश दिया था, जिसके बाद यहाँ की रिपोर्ट सपा अध्यक्ष को भेजी जाएगी। पीड़ितों के हाल जानने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने योगी सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सूबे में जंगलराज कायम है, दलित गरीब मजदूर किसानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। इस पूरे मामले को पार्टी विधानसभा में उठाएगी और निष्पक्ष जांच और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसकी मांग भी करेगी। गोंडा में स्वास्थ्य मेले में बीजेपी के बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने राजनीति से संन्यास लेने की इच्छा जाहिर की है। मंच से बोलते हुए कहा है कि सोच रहे चुनाव नाव लड़ना बंद करें। दरअसल सांसद ब्रजभूषण ने जिले में चल रहे स्वास्थ्य मेले में योजनाओं पर चर्चा करते हुए ये बात कही। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का रामपुर पहुंचने पर धूमधाम से स्वागत किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन ने रजा लाइब्रेरी पहुंचकर वहां लगे स्टैच्यू के बारे में जानकारी ली। राज्यपाल ने रजा लाइब्रेरी में दुर्लभ पांडुलिपियों के साथ ही पेंटिंग के रूप में संरक्षित रामायण का अवलोकन भी किया। इसके साथ ही राज्यपाल रजा लाइब्रेरी द्वारा आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल भी हुई। विकासनगर में अपने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर खंड शिक्षा कार्यालय में हड़ताल पर बैठी भोजन माताओं के संगठन को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का समर्थन मिला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बताया कि सरकार ने अक्षय पात्र फाउंडेशन के माध्यम से स्कूलों में खाना पहुंचाने का काम जारी किया है। ऐसे में भोजन माताएं कहां जाएंगी? उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान इस मामले को उठाने का काम किया जाएगा। सांसद मेनका गांधी ने सुल्तानपुर पहुंचकर दरिंदगी का शिकार हुई युवती से मुलाकात की है, जहां उन्होंने बेहतर इलाज का आश्वासन देते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश भी दिए हैं। इस मामले में एक आरोपी युवक को गिरफ्तार कर पुलिस दूसरे ही दिन
जेल भेज चुकी है, जबकि घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। कुडवार थाना क्षेत्र की रहने वाली मासूम बच्ची कुछ रोज पहले बलात्कार का शिकार हुई थी। आप विधायक अमानतुल्ला खान के परिवार के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिस वजह से अमानतुल्ला के परिजन एक बार फिर एसपी ऑफिस पहुंचे और इंसाफ की गुहार लगाई है। अमानतुल्ला के चाचा ने कहा है कि पुलिस ने उनके और उनके परिवार की महिलाओं के साथ बेरुखी की है, लेकिन अभी तक पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में रातोंरात अज्ञात शरारती तत्वों ने जगह जगह काले पेंट से आजादी लिख दिया है। आजादी के स्लोगन न सिर्फ शहर के प्रमुख चौराहों पर लिखा गया है, बल्कि गाजियाबाद कोर्ट के मेन गेट के साथ साथ एसएसपी दफ्तर के गेट पर भी यही स्लोगन लिखा गया है। कुछ दिन पहले भी गाजियाबाद के जिलाधिकारी के दफ्तर के कंपाउंड के बाहर भी यही स्लोगन लिखा हुआ मिला था। हालांकि इस स्लोगन को वहां से हटा दिया गया था और इसकी जांच एडीएम सिटी को दे दी गई थी, मगर रविवार रात एक बार फिर शरारती तत्वों ने ये स्लोगन लिख डाला है। हालांकि मामला मीडिया के संज्ञान में आने के बाद इन स्लोगन को एसएसपी दफ्तर और कोर्ट के बाहर से हटवाया गया। फिरोजाबाद में 3 फरवरी से लापता वकील अकरम अंसारी का अभी तक पुलिस कोई पता नहीं लगा पाई है, जिस कारण से अधिवक्ता संघ में आक्रोश व्याप्त है। वकीलों ने सड़क पर जोरदार प्रदर्शन किया है। वकीलों ने पैदल मार्च करते हुए पुलिस के खिलाफ नारे लगाए हैं। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। नकलविहीन, पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से परीक्षा संपन्न कराने के लिए यूपी बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी करने का दावा किया है। इस बार की बोर्ड की परीक्षा में पिछले साल की तुलना में 188,638 परीक्षार्थी कम सम्मिलित हो रहे हैं। नकलविहीन परीक्षा बनाए रखने के लिए यूपी बोर्ड ने पहली बार परीक्षा कक्षों को सीसीटीवी कैमरों और वॉइस रिकॉर्डर लगाने के बाद अब ब्रॉडबैंड और राउटर से जोड़ेगी, जिसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग सीधे लखनऊ से की जा सकेगी। उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाओं को नकलविहीन बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने खास बंदोबस्त किए हैं। राज्य में परीक्षा केंद्रों को विशेष निगरानी में रखने के लिए कई स्तर पर टीमों की तैनाती की जा रही है। शिक्षा विभाग ने कंट्रोल रूम के अलावा विभिन्न स्तर पर सचल दस्तों की तैनाती करने के निर्देश दिए हैं। इसमें प्रत्येक जिला स्तर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। इसके अलावा दोनों मंडलों में अपर निदेशक कार्यालय और निदेशालय स्तर पर भी कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। प्रदेश में बढ़ रहे साइबर क्राइम को लेकर कुमाऊं के डीजीपी अनिल रतूड़ी दौरे पर पहुंचे हैं। डीजीपी ने कहा है कि कुमाऊं में भी एक साइबर थाना खोलने की कोशिश की जा रही है। साइबर क्राइम वर्तमान परिस्थितियों में पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। पुलिस को एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से साइबर क्राइम रोकने के लिए तैयार किया जा रहा है। राज्य के 70% पुलिस अधिकारियों को साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन की ट्रेनिंग दी गई। शासन की मंजूरी के बाद एम्स ऋषिकेश में पीजी की सीटों पर विशेषज्ञ डॉक्टर्स को लेकर कुछ राहत मिलती नजर आ रही है। एम्स में हर सेमेस्टर पर 24 सीटें राज्य को दिए जाने पर सहमति दी गई है। शासन की मंजूरी के बाद 2 सालों में 96 विशेषज्ञ डॉक्टर्स स्वास्थ्य विभाग में अपना सहयोग दे सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने एम्स ऋषिकेश से पीजी की सीटों के लिए शासन को प्रस्ताव भेजकर मंजूरी मांगी। सरकार की ओर से बढ़ते वाहन प्रदूषण को लेकर नई पहल की जा रही है। 1 अप्रैल से प्रदेश में 6 यूरो गाड़ियों को सड़क पर उतारा जा रहा है, जिसके लिए विभाग में कार्य भी शुरू किया जा चुका है। आरटीओ दिनेश चंद्र पठोई ने बताया कि इसके लिए कंपनियां अब सीधे यूरो 4 और उसके बाद यूरो 6 गाड़ियां बनाकर सड़क पर उतारेंगी, क्योंकि इसके बीच में यूरो 5 की कोई भी गाड़ी नहीं है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने बताया कि अब अप्रैल महीने से यूरो 6 के अलावा किसी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। रामनगर थाना क्षेत्र में सिंचाई नहर के दूषित होने से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पूरे शहर की गंदगी और
निकासी का पानी सिंचाई करने वाली नहर में ही गिर रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार सूचना देने के बाद भी नगर पालिका कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने नगर पालिका के चेयरमैन को एक ज्ञापन भी सौंपा है। नोएडा प्राधिकरण ऑफिस पर किसानों ने हंगामा काटा है, साथ ही किसानों की गिरफ्तारी को लेकर किसानों ने प्रदर्शन भी किया है। इस दौरान किसानों ने नोएडा अथॉरिटी के गेट का ताला भी तोड़ दिया। नोएडा पुलिस और किसानों के बीच नोकझोंक देखने को मिली। लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील में किसान यूनियन हिंद धरने पर है। 12 सूत्रीय मांग को लेकर किसान तहसील परिसर में धरने पर बैठे हैं। किसान समीसी के हाईटेक कंपनी द्वारा चारागाह पर प्लॉटिंग करने के साथ किसानों के पट्टों की जमीन की पैमाइश न होने से नाराज चल रहे हैं। साथ ही किसान यूनियन ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो वो अनिश्चितकालीन धरना देंगे। हल्द्वानी में उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कर्मराम द्वारा यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष दिवाकर भट्ट के खिलाफ दिए गए बयान की निंदा करते हुए उप जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन किया है और कर्मचारी नेता कर्मराम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। यूकेडी नेताओं का कहना था कि आरक्षण को लेकर सभी नेताओं ने अपना पक्ष रखा था, जिस पर दिवाकर भट्ट ने भी आरक्षण को सभी वर्गों में दिए जाने की बात कही थी। लेकिन उत्तराखंड कर्मचारी यूनियन के कर्मचारी नेता कर्मराम ने न सिर्फ केंद्रीय अध्यक्ष दिवाकर भट्ट के खिलाफ गलत शब्द का इस्तेमाल किया बल्कि यूकेडी का भी नामो निशान खत्म करने की बात कही। हल्द्वानी नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स बढ़ाए जाने की सरगर्मियों के बीच आज पार्षदों ने नगर निगम में जमकर प्रदर्शन करते हुए नगर निगम में तालाबंदी की है। पार्षदों ने नगर निगम के मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला पर आरोप लगाते हुए कहा है कि नगर निगम क्षेत्र की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। स्ट्रीट लाइट सालों से बंद पड़ी हुई है, बावजूद इसके लोगों को सुविधा देने के बजाय हाउस टैक्स की मांग दी जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस का राज्यव्यापी आंदोलन जारी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में भी कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया। राज्य सरकार के 3 साल के कार्यकाल के पूरे होने पर कांग्रेस महंगाई बेरोजगारी समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर ये प्रदर्शन कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत, पूर्व कैबिनेट मंत्री शूरवीर सिंह और सैकड़ों कार्यकर्ता धरने में शामिल हुए। अंबेडकर नगर जिला अस्पताल में सरकारी एम्बुलेंस का पहिया बजट के अभाव में ठप हो गया है। डीजल की कमी की वजह से मरीजों को आए दिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर लोगों का काफी दिक्कतों का जब सामना करना पड़ रहा है तो काफी आक्रोश भी है। अस्पताल की तरफ से शव वाहन में तेल नहीं होने का हवाला देकर वाहन को भेजने में टालमटोल की जा रही है। लगातार उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने से वन संपदा नष्ट हो रही है, जिसे लेकर विभाग की ओर से पूरे क्षेत्र में लगातार गश्त और पेट्रोलिंग की जा रही है और जंगलों को बचाने के लिए फायर लाइन भी काटी जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर फायर सीजन को लेकर बैठक की गई है, जिसमें जंगल में आग से निपटने के लिए स्थानीय नगर पालिका, नगर पंचायत और फायर टीम को वन क्षेत्र में आग लगने से समय पर नियंत्रण पाने और वन विभाग की मदद करने के निर्देश भी दिए गए हैं। फरुखाबाद में अब पुलिस सही मायने में मित्र पुलिस की भूमिका में नजर आएगी। प्रदेश के जिन 100 थानों में बीट प्रणाली लागू की गई है उनमें फरुखाबाद के मऊ दरवाजा थाने को शामिल किया गया है। आईजी मोहित अग्रवाल ने आज थाने की बीट सिपाहियों को जरूरी टिप्स दिए और पुलिस की अच्छी इमेज पर काम करना शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। नई व्यवस्था में तमाम मुद्दे थानाध्यक्ष स्तर से हटकर बीट सिपाही स्तर पर केंद्रित होंगे। आईजी का मानना है कि बीट प्रणाली से पुलिस की कार्यशैली सुधरेगी और लोगों की सुविधा बढ़ेगी। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और पशु चोरों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। वहीं 2 बदमाश पुलिस को चकमा देकर गाड़ी लेकर फरार होने में कामयाब हुए। पुलिस ने घायल बदमाश के पास से एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। वहीं फरार बदमाश के लिए पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। पकड़े गए बदमाश पर करीब 34 मुकदमे दर्ज हैं। शाहजहांपुर के थाना रोजा क्षेत्र में
एक बेकाबू कार यात्रियों से भरे टेम्पो में टक्कर मारते हुए एक खोखे में जा घुसी। इस हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में टेम्पो सवार तीन लोगों की और एक कार सवार की मौत हो गई। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जहाँ कई लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। कासगंज के अम्मानपुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हरदोई में रोड पर गड्ढा होने की वजह से दो कारें बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। इस हादसे में दोनों कार में सवार सात लोग घायल हो गए। घायलों को शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। यह हादसा बेहटा गोकुल थाना इलाके का बताया जा रहा है। सिद्धार्थनगर जिले में बच्चों से भरी निजी स्कूल की बस सोमवार सुबह बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में 14 बच्चे घायल हुए हैं। यह हादसा शोहरतगढ़ थाना इलाके के डोली गांव के पास हुआ है। हादसे की वजह कोहरा बताया जा रहा है। बस में सरस्वती शिशु मंदिर शोहरतगढ़ के 60 बच्चे सवार थे। बिहार में शराबबंदी के बाद कुशीनगर जिला शराब तस्करों के लिए सबसे मुफीद बन गया है। कुशीनगर में पुलिस ने एक बार फिर अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 लाख की शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने 350 पेटी अवैध शराब के साथ बंदूक और दो जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। वहीं वाहन चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। संभल में एक शादी समारोह में शराब पीने से दो लोगों की मौत हो गई जिसके बाद शादी वाले घर में मातम पसर गया। ग्राम प्रधान ने मौत की वजह जहरीली शराब को बताया है। घटना गांव नगला की है जहां शादी के समारोह में शराब पार्टी हो रही थी। इसी दौरान शराब पीने के बाद दो लोगों की हालत बिगड़ गई जिसके बाद दोनों को डॉक्टर के पास ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। जालौर में संदिग्ध हालत में एक अधेड़ की मौत का मामला सामने आया है। अधेड़ का शव घर के बाहर पड़ा हुआ मिला। परिजनों का आरोप है कि अधेड़ की हत्या कर शव को घर के बाहर फेंक दिया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई। मेरठ में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। माधवपुरम सेक्टर 3 में मकान निर्माण का काम कर रहा एक मिस्त्री की बिजली की तारों की चपेट में आने से मौत हो गई है। घटना के बाद इलाके के लोगों में बिजली विभाग को लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। मृतक कृष्ण स्वरूप की बॉडी को मोर्चरी के लिए मेडिकल भेजा गया। बदायूं में युवक का शव पानी में बहता हुआ मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान वीरेंद्र यादव के रूप में हुई है जो हांसीगंज का रहने वाला बताया जा रहा है। परिजनों ने बताया है कि वीरेंद्र घर से शादी समारोह में शामिल होने के लिए निकला था। उन्होंने वीरेंद्र की हत्या की आशंका भी जताई है। अमेठी में बाबूगंज टोल प्लाजा पर रिटर्न पर्ची को लेकर दबंगों और मैनेजर केबिन में जमकर मारपीट हुई है। दबंगों ने टोल प्लाजा के कर्मचारियों से मारपीट कर केबिन में जमकर तोड़फोड़ की है। इस दौरान टोल प्लाजा के 5 कर्मचारी घायल हो गए। ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है। आगरा में 5 साल की मासूम बच्ची को घर छोड़ने के बहाने एक दरिंदे ने अपना शिकार बनाया है। वारदात के दौरान मौके पर पहुंचे लोगों ने दरिंदों की पिटाई की। लोगों ने युवक के ऊपर जमकर लाठी डंडे बरसाए। सात वचनों के बंधन में बंधने के साथ रुड़की में एक दूल्हा दुल्हन ने कुछ ऐसा किया जिसमें उन्होंने समाज के सामने एक मिसाल कायम की। दूल्हा दुल्हन ने विदाई से पहले सरकारी अस्पताल में पौधरोपण किया और जीवन भर पौधे की देखभाल करने का संकल्प भी लिया। नवविवाहित दूल्हे अशोक ने बताया कि सगाई होने के साथ ही उसने पर्यावरण को बढ़ावा देने का संकल्प लिया था और उसने ये बात अपनी नवविवाहिता पत्नी को भी बताई थी, जिस पर दोनों ने वरमाला के बाद पौधरोपण करने का संकल्प लिया जिसे उन्होंने पूरा भी किया।
हल्द्वानी में होली की छठा सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिली है, नई पीढ़ी तक इसे पहुंचाया जा रहा है। कुमाऊं में होली अपने चरम पर है, हर तरफ होली की धूम है। कुमाऊं में बैठकी होली प्रसिद्ध है। कुमाऊं में प्रसिद्ध बैठकी होली एक अलग ही अंदाज में मनाई जाती है। जगह जगह महिलाओं की टोलियां बैठकी होली के साथ ही गानों के जरिए लोगों को संदेश भी देती है। हल्द्वानी में आयोजित महिला होली में महिलाओं ने गीतों के जरिए बेटी बचाओ, स्वच्छता अभियान और शराब को लेकर संदेश भी दिए। कई जगहों पर महिलाओं ने समाज में बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर गीत भी गाए।